सब्सक्राइब कीजिए HT इन्फॉर्मेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सकें न्यू टेक वीडियोस सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सैयद जीशान हैदर और आप देख रहे हैं HT इन्फॉर्मेशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में मैं आपसे बिट्स और बाइट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इतना मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, इतने MB, इतने GB के लिए फ़ाइल है। तो यहाँ पे अगर आप मैं आपको बताता चलूँ कि बिट्स और बाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक बिट एक ऐसी टर्म है यानी कि इसमें सिर्फ दो स्टेट्स हैं, ऑन या ऑफ, यानी कि हाँ या ना, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, वन और ज़ीरो। तो यहाँ पर तो हमने बहुत ज़्यादा फाइल्स, गाने वगैरह, फिल्में वगैरह हमने स्टोर करनी होती हैं, तो एक बिट से क्या काम चलेगा। अभी हमें कोई फ़ोटो स्टोर करते हैं तो तुम्हें उसमें एक पिक्सल में कितने ज़्यादा बिट्स होते हैं, तो बिट्स को तो काम में लेना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए एक यहाँ पर नई टर्म उठ के आती है जिसको कहते हैं बाइट। एक बाइट एक एक्चुअली एक होती है, 8 बिट्स से मिलकर एक बाइट बनती है। एक ग्रुप ऑफ बिट्स एक बाइट कहलाता है। और यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि 1024 बाइट्स, 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, हेक्साबाइट, टेराबाइट वगैरह वगैरह। तो ये हो गई बाइट्स। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो इंटरनेट लगा हुआ है, यानी कि आपने जो इंटरनेट कनेक्शन लगाया हुआ है, वो अगर है 10 मेगाबाइट्स का, 10 MB का है, तो आप समझ रहे होंगे कि 10 MB का जो इंटरनेट कनेक्शन है, और मैं 10 MB को फाइल करूँगा तो वो 1 सेकंड में कर देगा। तो ये बिल्कुल गलत है। जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो 10 मेगाबिट्स का है, बाइट्स का नहीं है। तो जैसे ही आप कोई डाउनलोडिंग करेंगे तो आप बिट्स के हिसाब से डाउनलोड होगी, बाइट्स के हिसाब से डाउनलोड नहीं होगी। और यहाँ पे अगर फिर से एक और टर्म उठ के आ जाती है कि हम जो USB वगैरह लेते हैं उसमें हमें पूरी मेमोरी नहीं मिलती है। फर्ज किया मैंने 32 GB का एक पेन ड्राइव ख़रीदा, लेकिन उसमें मुझे पूरी मेमोरी नहीं मिली, 32 GB, तो हमें उसमें तकरीबन 31.50 GB मेमोरी मिलती है, यानी कि हमें पूरी मेमोरी नहीं मिलती। तो उसमें यह आता है कि अब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, फर्ज कि आपने 4 GB के एक पेन ड्राइव को आपने मैन्युफैक्चर करना है, तो आप उसमें इसमें सिंपल सिंपल ये बात कही जाती है कि जो हज़ार इसमें 1000 बाइट्स, 1000 बिट्स, इस तरह के इस हिसाब से इसको बनाया जाता है। क्योंकि अगर हम 1024 बिट्स, 1024 बाइट्स और 1024 किलोबाइट की तरह इसको बनाना शुरू करें तो वो एक बहुत ही रैंडम नंबर सा उठ के आ जाता है हमारे सामने, जो कि एक USB बनाने के लिए मुस्तफ़ी नहीं होगा। तो इसलिए वो एक सिंपल सिंपल 1000 बाइट्स, 1000 किलोबाइट्स, 1000, वो 1000 के हिसाब से उसको बनाते हैं किसी भी USB को। तो इसीलिए थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती है मेमोरी में जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बिट्स और बाइट्स के दरमियान फ़र्क पता चल गया होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि जो मेगा बिट्स हैं और जो मेगा बाइट्स हैं। आपने बहुत से देखा होगा कि लिखा होता है MB, तो आप अगर गौर करें तो जिसके साथ M कैपिटल होता है लेकिन जो B होता है वो छोटे अल्फाज में होता है, तो उसका मतलब है मेगा बिट्स। लेकिन जो MB मेगा बाइट होता है, यानी कि मैं बाइट की बात कर रहा हूँ जिसमें 8 बिट्स मिलकर एक मेगाबाइट बना एक बनाए बाइट बनाती हैं। बाद में अगर आप मेगाबाइट की बात करें तो उसमें M के साथ B भी कैपिटल होगा। तो ये फ़र्क है मेगाबिट्स और मेगाबाइट्स में। तो उम्मीद है आपके सारे सवाल का जवाब दूर हो गए होंगे मेगाबाइट्स और मेगाबिट्स के बारे में। अगर अभी भी कोई कमी पेशी रह गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक भी आपने HT इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें इसी तरह की वीडियोज़ अपलोड करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगी। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।